हेलो स्टूडेंट, सभी को नमस्कार एवं सभी का केमिस्ट्री फर्स्ट ऑनलाइन क्लास में सभी का स्वागत है। तो अपना जो चैप्टर चल रहा था 11th में परमाणु संरचना, चैप्टर कौन चल रहा था? परमाणु संरचना, और उससे संबंध जो अपने इलेक्ट्रॉन विन्यास का जो टॉपिक चल रहा था, तो इलेक्ट्रॉन विन्यास के नियम क्या है, इलेक्ट्रॉन विन्यास कैसे लिखा जाता है, वो सभी अपने उदाहरण सहित अपने कर लिए थे। आज का अपना जो टॉपिक रहेगा परमाणु कक्षों का आकार और अभिविन्यास। टॉपिक क्या रहेगा अपना? परमाणु कक्षकों का आकार और अभिविन्यास। परमाणु कक्षा का आकार और अभिविन्यास, ठीक है। तो परमाणु कक्षक अपनी आई थी एस कक्षक, पी कक्षक, डी कक्षक और एफ कक्षक। तो सबसे पहले अपन करेंगे एस कक्षक। नंबर एक कौन सी करेंगे अपन? एस कक्षक, ठीक है। तो एस कक्षक का आकार कैसा होता है? तो एस कक्षक होते हैं, तो एस कक्षक आकार निर्धारण के लिए क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता होती है, इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता साई स्क्वायर, इसको क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता साई स्क्वायर, वह नाभिक से दूरी यानी आर, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता साइज को नाभिक से दूरी आर के बीच ग्राफ खींचने पर ज्ञात होता है कि एस कक्षक की आकृति गोलाकार होती है, यानी इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता यानी साई स्क्वायर और इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूरी यानी आर के बीच जब ग्राफ खींचते हैं तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर समान दूरी पर समान रूप से व्यवस्थित होते हैं। इस पर उस ग्राफ खींचो से ज्ञात होता है आकृति कैसी होती है, गोलाकार। तो एस कक्षक की आकृति कैसी होती है अपनी? गोलाकार, क्योंकि इसमें जो साइन स्क्वायर और नाभिक से दूरी है आर के बीच ग्राफ खींचते हैं तो एस कक्षक है उसकी आकृति कैसे निकलती है अपनी? गोलाकार, क्योंकि इसमें एक्स वाई और जेड एक है अपने निर्देशांक, तो इसके इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना यानी प्रायिकता साइज पर आर में ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ अपना आता है वो इलेक्ट्रॉन यानी नाभिक से चारों ओर, इलेक्ट्रॉन नाभिक से चारों ओर समान रूप से समान दूरी पर स्थित होते हैं, ऐसे यानी इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ यानी समान रूप से समान दूरी पर स्थित होते हैं, जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि एस कक्ष की आकृति क्या होती है? गोलाकार। एस कक्ष की आकृति कैसी होती है अपनी? गोलाकार, ठीक है। और इसमें वह स्थान जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना, जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना शून्य हो, जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना, इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना शून्य हो यानी साई स्क्वायर बराबर जीरो शून्य हो, उसे नोडीय सतह, उसे क्या कहते हैं? नोडीय सतह कहते हैं।
ठीक है, यानी जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाए समान शून्य हो उस स्थान को, साइज पर कमान शून्य हो उस स्थान को क्या कहते हैं, नोडीय सतह कहते हैं। मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या एन के लिए, मुख्य क्वांटम संख्या एन के लिए नोडीय सतहों की संख्या एन माइनस वन, एन माइनस वन के बराबर होती है, बराबर होती है। ठीक है, मुख्य क्वांटम संख्या एन के लिए नोडीय सतहों की संख्या कितनी होती है, एन माइनस वन के बराबर होती है। जैसा आपसे पूछा जाए वन एस कक्षक, वन एस कक्षक में नोडीय सतह है, वन एस कक्षक में नोडीय सतह है, तो वन एस कक्षक मुख्य क्वांटम संख्या जो एन की वैल्यू है वो कितनी है, एक, एन की वैल्यू कितनी है, एक, एक माइनस एक बराबर क्या आएगा, जीरो, नोडीय सतहों की संख्या कितनी होती है, जीरो। इसी प्रकार आपसे कहा जाए कि टू एस कक्षक में नोडीय सतहों की संख्या कितनी होगी, तो यहां पर एन की वैल्यू कितनी आएगी अपनी दो, तो क्या जाएगी दो माइनस एक बराबर एक, टू एस कक्षक में नोडीय सतहों की संख्या कितनी होगी, एक होगी। इसी प्रकार अपने कहा जाए थ्री एस कक्षक में नोडीय सतहों की संख्या कितनी होगी, यहां पर एन की वैल्यू कितनी है, तीन, तो क्या हो जाएगा तीन माइनस एक बराबर दो। तो इस प्रकार जो अपने वन एस कक्षक में नोडीय सतहों की कितनी आएगी, जीरो, और थ्री एस में कितनी आएगी, टू। यानी मुख्य क्वांटम संख्या एन के लिए नोडीय सतहों की संख्या किसके बराबर होती है, एन माइनस वन के बराबर। ठीक है, तो यह तो था वह स्थान जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना शून्य हो, वो इलेक्ट्रॉन घनत्व शून्य हो, उस स्थान क्या कहते हैं, नोडीय सतह। और किसी भी मुख्य क्वांटम संख्या एन के लिए नोडीय सतहों की संख्या कितनी होगी, एन माइनस वन के बराबर होती है। ठीक है, तो यह तो था अपना एस कक्षक, एस कक्षक आकृति कैसे निकलती है अपनी, गोलाकार, यानी इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों समान दूरी से समान रूप से स्थित होते हैं। ठीक है, तो यह तो था अपना एस कक्षक की आकृति और उनका अभिविन्यास। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।